माँ सुन मैं तुझे एक कहानी सुनाऊं, आ तुझको मैं अपनी जुबानी सुनाऊं। ये गीत मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि एक छोटी बच्ची जो अपनी माँ को कहानी सुनाती है, क्योंकि उसने अक्सर अपनी माँ से कहानियाँ सुनी हैं, तो आज वो अपनी माँ को कहानी सुनाना चाहती है। तो उसने लिखा है कि माँ सुन मैं तुझे एक कहानी सुनाऊं, आ तुझको मैं अपनी जुबानी सुनाऊं। मैंने देखा था ख्वाबों में एक दिन खुदा को, माँ पूछा था उसने क्या मेरी रजा है। तो मैंने कहा कि सुना था जहाँ में कि होती है परियां, क्या तुमको पता उसके घर का पता है। तो खुदा ने जवाब दिया कि दिया फिर खुदा ने एक छोटा सा पर्चा, मैं बोली ये मेरे ही घर का पता है। तो माँ ने पूछा कि आगे क्या हुआ। फिर बोला खुदा पूरी ख्वाहिश ये होगी, तुझको तेरी परी तेरे घर में मिलेगी। माँ सुन मैं तुझे एक कहानी सुनाऊं, आ तुमको मैं अपनी जुबानी सुनाऊं। देखो अब होता क्या है कि हम लोग किसी पर विश्वास नहीं करते, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो। तो शक थोड़ा लड़की को भी हुआ, तो उसने सोचा कि चलो भगवान से पूछते हैं। कि मैंने पूछा खुदा से कि जानूंगी कैसे, वो मेरी परी है मैं मानूंगी कैसे। तो खुदा के पास सबका जवाब होता है। तो खुदा ने कहा कि बोला नजरों में उसकी चाहत सी होगी, वो परी तेरी ममता का भंडार होगी। और ये कह के भगवान छूमंतर हो गए, ताकि और सवाल ना पूछूं। तो उसके बाद मेरी नींद खुल गई। तो क्या हुआ, फिर खुलते ही नींदे मैंने घर भर में देखा, फिर मिली वो परी उसकी आँखों में देखा। तो माँ ने पूछा कि क्या देखा, कौन थी वो परी। मैं समझी दिया क्यों इधर का पता है, और कोई नहीं वो परी मेरी माँ है। माँ सुन मैं तुझे एक कहानी सुनाऊं, आ तुमको मैं अपनी जुबानी सुनाऊं। और लास्ट की कुछ पंक्तियों से अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करना चाहूँगी कि कहने को हज़ार बातें हैं दिल में माँ, कहने को हज़ार बातें हैं दिल में माँ, पर शब्दों में कह पाना मुश्किल हर बार होता है। डांटती हो जो तुम मुझे, जानती हूँ मैं, इस डांट के पीछे भी बस तुम्हारा प्यार होता है। तुम जो इतनी चिंता करती हो मेरी, जानती हूँ मैं उन सब की वजह, मुझे आगे बढ़ते देखने का सपना तुम्हारी आँखों में बेशुमार होता है। और कुछ कहने को शब्द नहीं मेरे पास, क्योंकि माँ कहना तो मुझे बहुत कुछ हर बार होता है, पर बस इतना ही कहूँगी कि लोग अक्सर कहते हैं कि क्या तुमने खुदा को देखा है, तो मैं कहती हूँ कि मेरी माँ में मुझे उस खुदा का रोज़ दीदार होता है। थैंक यू।